हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिफेंस स्टडी जोन पे। दोस्तों, मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एनडीए के मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में, जबकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी एनडीए के बारे में, आखिरकार एनडीए होता क्या है, इसे कैसे ज्वाइन कर सकते, कौन ज्वाइन कर सकता एंड एक्स्ट्रा काफ़ी क्वेश्चन के आपको क्वेश्चन वहाँ पर मिल चुके होंगे। तो अब हम इस वीडियो में उसके बाद में एनडीए के सिलेबस के बारे में बात करने वाले। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बनने वाले घंटा या बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं जो भी कोई भी वीडियो डालूं अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूँ आपको, अगर आप एनडीए की तैयारी करते हैं या आपका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव एनडीए की तैयारी करता है तो उसे इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं एनडीए के सिलेबस से कि एनडीए का सिलेबस होता क्या है। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि एनडीए के आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बताता हूं कि एनडीए के हमारे दो पेपर लगते हैं, एनडीए पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स, पेपर सेकंड होता है जीएटी। हम बात करेंगे केवल पेपर फर्स्ट के बारे में। तो पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स, क्वेश्चन होते हैं 120 क्वेश्चन, टाइम होता है 2 आवर 30 मिनट, ढाई घंटे का समय मिलता है हमें। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन हमारा एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है एंड माइनस 0.83 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सॉरी, वो मैंने लिख नहीं पाया इसलिए बता रहा हूँ आपको कि माइनस 0.83 की नेगेटिव मार्किंग होती है और एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। दोस्तों चलिए, मैंने आपके एनडीए के सिलेबस को ईजी तरीके से बताने के लिए आपको इसे 7 सेक्शन में डिवाइड किया है। दोस्तों 7 सेक्शन, हमारा पहला सेक्शन होता है एलजेब्रा, अंक गणित। सेकेंड सेक्शन होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, सारणिक एवं आव्यूह। थर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। चौथा डिफरेंशिएशन, अवकलन। पांचवा इंटीग्रेशन, समाकलन एंड छठा होता है 2D एंड 3D ज्यामितीय गणित। ये हमारे 6 सेक्शन थे। हमारा 7वां सेक्शन है दोस्तों प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर। मैंने 7वें सेक्शन में आपके ये प्रोबेबिलिटी, वेक्टर एंड स्टैटिक तीनों को शामिल किया है दोस्तों, क्योंकि ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारा एक अकेला प्रोबेबिलिटी चैप्टर एनडीए के एग्जाम में 10 से 15 अबाउट समथिंग 15 क्वेश्चन तो जरूर रखता है, तो मैंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबसे लास्ट में रखा। बाकी चैप्टर को नंबर वाइज से सेट किया है, जो पहले ईजी होता है, जो पहले पढ़ना चाहिए आपको उसी चैप्टर को पहले रखा था कि अगले वाले चैप्टर को पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी आपको दिक्कत ना हो। इसी तरीके से मैंने इन चैप्टर्स को सेट किया है, तो अगर आपको सही लगे तो आप इन चैप्टर्स को इसी तरीके से पढ़ें तो अच्छा होगा। चलिए हम बात करते हैं हमारी सीरीजों की। अब हमारी पहली सीरीज है दोस्तों एलजेब्रा। एलजेब्रा को हिंदी में अंकगणित कहते हैं। एलजेब्रा में मैंने चैप्टर्स को रखा, देखिए पहला चैप्टर है सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। सेकेंड होता है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तीसरा है लोगरिथम, लघु गणक। चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। एपी एंड जीपी, अनुक्रम एवं श्रेणी। पीएनसी, क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। देखिए ये अलजेब्रा में मैंने इन सभी चैप्टर को भी, आप ये नहीं सीरीज ही नहीं, मैंने चैप्टर्स को भी नंबर वाइज से रखा है कि आप पहले सेट पढ़े, फिर रिलेशन फंक्शन, फिर लोगरिथम। इसी तरीके से आपके चैप्टर अगले वाले ईजी होते जाएंगे। सेकेंड हमारी सीरीज पे आते हैं दोस्तों। सेकेंड सीरीज है हमारी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। इसके अंदर हमारे दो ही चैप्टर हैं, पहला है मैट्रिक्स आव्यूह, दूसरा है डिटर्मिनेंट, सारणिक चैप्टर। तो हम पहले मैट्रिक्स को पढ़ेंगे फिर सारणिक को पढ़ेंगे, और आप इनकी प्रैक्टिस दो तो सबसे जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स है या फिर कोई भी आपकी स्टेट बोर्ड की जो भी बुक्स है, आप उन बुक्स से पहले इनकी प्रैक्टिस करते चले साथ साथ। चलिए हम रुक करते हैं हमारे तीसरी जो हमारी सीरीज है दोस्तों। तीसरी सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने जो चैप्टर रखे हैं, हमारा पहला चैप्टर आता है दोस्तों एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोणों का मापन व त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके अंदर आपकी बेसिक चलती है ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड आपकी होती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो इनवर्स फंक्शन होता है वो चलेगा। थर्ड होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। और फोर्थ होती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुणधर्म। ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर। देखिए मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको आपकी कैलकुलस से पहले रखा है, क्योंकि आपको जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी तभी आप कैलकुलस को कर सकते हैं, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़े फिर कैलकुलस पर जाए। तो चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन की ओर। हमारा नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, अवकलन। अवकलन के अंदर हमारे चैप्टर आते हैं लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी, सीमा, सततता एवं अवकलनीयता। सेकेंड होता है डिफ्रेंशिएशन, अवकलन एंड थर्ड होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग।
इससे नेक्स्ट हमारे सेक्शन में हमने रखा है इंटीग्रेशन को, समाकलन। समाकलन के अंदर हमारे चैप्टर आते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स, वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ये थे हमारे समाकलन के चैप्टर। तो हमने देखिए आपको चार पांच सेक्शन बता चुका हूँ, मैं आपको वापस वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे आपके सेक्शन बाय सेक्शन आते जा रहा है, पहले ट्रिग्नोमेट्री, फिर अवकलन, फिर समाकलन, आप भी इसी तरीके से इनको पढ़ते चले तो आपको अगली वाली सीरीज आपकी ईजी होती चली जाएगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे नेक्स्ट हमारा सेक्शन है दोस्तों 2D एंड 3D, जो द्विविमीय एंड त्रिविमीय ज्यामिति। चलिए इसके अंदर हमारा पहला चैप्टर आता है समकोण कार्तीय निर्देशांक, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सेकंड है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। थर्ड है सर्किल, वृत्त। एंड फोर्थ है कॉनिक सेक्शन, शंकु परिच्छेद। फिफ्थ है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति। आप इसमें शुरुआत वाले जो इजी चैप्टर उन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके इंडिया के एग्जाम में। इससे नेक्स्ट हमारी सीरीज है दोस्तों, लास्ट जो सेक्शन है हमारा, उसमें है हमारा फर्स्ट प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, सेकेंड वैक्टर सदीश, और थर्ड है स्टैटिक सांख्यिकी। ये हमारा प्रोबेबिलिटी और वैक्टर वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एनडीए की एग्जाम में दोस्तों। आपको मैं इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप एनडीए में देखो गारंटेड सिलेक्शन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एनडीए के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करना है। आपने एनसीईआरटी में जो भी पढ़ा है या जो भी पढ़ाया गया, आपको सबसे पहले वही रेडी करना है, और आपको अपनी तैयारी के लिए एक बिल्कुल प्लान बनाना है, एक बिल्कुल टाइम टेबल रेडी करना है, और आपको रेगुलर जब तक आपके एग्ज़ाम ना हो तब तक आपके एग्ज़ाम तक आपको बिल्कुल उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए ही आपको तैयारी करनी है दोस्तों। तो यही था आज की इस वीडियो के लिए, यही आज का बस वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि यहाँ से आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें दोस्तों, ताकि ये वीडियो हर जगह पहुँच सके, हर किसी की हेल्प कर सके। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने।